हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज बीएल हाउस। आज हम आपको बताते हैं कि हमारे ऑफिस में सर्विसेज क्या क्या दी जाती है। आइए। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारा रियल हेयर हाउस हेयर रिप्लेसमेंट सेंटर तो है ही, लेकिन उसके अलावा क्या क्या है। बहुत लोग हमसे यही पूछते हैं कि आपकी सर्विसेज क्या क्या है। आप सिर्फ हेयर पैच में ही डील करते हैं या आप और भी किसी चीज़ों में काम करते हैं या आप और भी कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो आज इस वीडियो में आपको यही बताएंगे कि हमारे ऑफिस में कौन कौन सी सर्विस दी जाती है, क्या क्या उस सर्विसेज का बेनिफिट है, हेयर पैच के अलावा कौन कौन सी और सर्विसेज हैं जिसका और इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। वो सारी चीज़ें आज इस वीडियो में आपको बताएंगे। रियल हेयर हाउस आपको पता ही है जैसे कि वन ऑफ द लीडिंग ब्रांड ऑफ हेयर रिप्लेसमेंट तो है ही, लेडीज हो चाहे वो जेंट्स हो। बट हमारे पास और क्या क्या प्रोसीजर्स हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल हैं, आपके लिए फायदेमंद है, उस चीज़ के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने चाह रहे हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखें। तो गाइस, हमारे पास जो ट्रीटमेंट्स हमारे पास रहते हैं, फर्स्ट ट्रीटमेंट उसमें लेज़र ट्रीटमेंट है। लेज़र ट्रीटमेंट की क्या क्या कैटेगरी है वो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हेयर रिमूवल, हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट जिन लेडीज़ के जिन जेंट्स के दोनों में ही ट्रीटमेंट ये अवेलेबल होता है, या चिन पे आते हैं, चीक्स पे आते हैं, या फिर बॉडी पे कहीं भी एक्स्ट्रा हेयर्स होते हैं, वांटेड हेयर होते हैं, तो रिमूव कराने के लिए आप हमारे पास आ सकते हैं। वो दोनों ट्रीटमेंट लेडीज़ में भी और जेंट्स में भी दोनों में ही ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो आपको अगर ये ट्रीटमेंट कराना तो आप हमारे पास आ सकते हैं। सेकेंड थिंग इज टैटू रिमूवल। टैटू रिमूवल जिनका टैटू होते हैं, परमानेंट टैटू जो बनवा लेते हैं, हाथ पे ओम बनवा लेते हैं या फिर कोई भी साइन बनवा लेते हैं, अगर वो गलत बनता है या उसकी ज़रूरत आपको नहीं है, जैसे गवर्नमेंट जॉब में टैटू की नीड नहीं होती, अगर आपको प्रॉब्लम है आपके करियर के थ्रू, तो आप आके हमारे पास गारंटी ट्रीटमेंट है कि हम टैटू आपका रिमूव प्रॉपरली और ऑथेंटिकली दोनों चीज़ों से हम आपके टैटू रिमूव करेंगे, जिससे आपको आगे लाइफ टाइम तक कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। विदाउट एनी मार्क, विदाउट एनी स्कार, ये भी रिमूवल हमारे पास रहता है, टैटू रिमूवल प्रोसेस। तीसरी चीज़ एक्ने स्पॉट्स। एक्ने स्पॉट्स क्या होते हैं मैं आपको बताया था, तो उनके पिंपल हो जाते हैं, पिंपल होने के बाद वो फट जाता है या आप फोड़ देते हैं उसे, वो वहाँ स्पॉट बना रह जाता है, तो उन स्पॉट्स का भी हमारे पास ट्रीटमेंट है, उसे पीलिंग ट्रीटमेंट बोलते हैं। एक्ने स्पॉट ट्रीटमेंट भी हमारे पास अवेलेबल है, तो किसी को अगर नीड हो, किसी को ज़रूरी हो, किसी के लिए पर्पज नहीं, तो वो हमारे पास आके करा सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन या फिर आप कॉल करके आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन फेस वीडियो कॉलिंग भी आप हमसे कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं। बस आपको क्या करना है, फ़ोन उठाना है और कॉल मिलाना है। और आपको अगर इन सारी प्रोसीजर्स की वीडियोस भी देखनी है, तो हमारे शॉर्ट सेक्शन में शॉर्ट रील्स हमने शॉर्ट हमारे इंस्टाग्राम पर भी और यूट्यूब पर भी दोनों चीज़ों पर डाल रखी है, पूरे प्रोसीजर की शॉर्ट रील भी डाल रखी है और शॉर्ट भी उसके बना रखे हैं। तो आप जाके यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे चेक कर सकते हैं। आपको दोनों तीनों जितने भी प्रोसीजर्स मैंने बताए हैं, वो सारी चीज़ों की आपको जितने भी अब मैं बताऊंगा भी, उन सारी चीज़ों की शॉर्ट आपको वहाँ मिल जाएगी, वीडियोस आपको ब्रीफिंग मिल जाएगी, आपको पता चल जाएगा ये प्रोसीजर किस तरीके से होता है। तीसरी चीज़ हमारे पास हेयर फॉल ट्रीटमेंट है। हेयर फॉल क्या होता है ना, आपको बताता हूँ। जैसे आप कहेंगे भी कि आप हेयर पैच लगा रहे हैं और हेयर फॉल की ट्रीटमेंट दे रहे हैं, नहीं, हेयर पैच हम उनके लगाते हैं जिनके बाल नहीं होते या जिनके चले गए होते हैं, जिनका रिसाइड हो रहा है। हेयर फॉल ट्रीटमेंट हम उनको देते हैं जिनका सीजनल हेयर फॉल है, जैसे मानसून के टाइम पे हेयर फॉल होने लग जाता है लोगों के, या फिर जिनका डैंड्रफ प्रॉब्लम है कि डैंड्रफ या फंगल इन्फेक्शन की वजह से उनका हेयर फॉल हो रहा है, हम उनको भी ट्रीटमेंट देते हैं। उनके ट्रीटमेंट का नाम है ओजोन ट्रीटमेंट, उसका भी शॉर्ट या वीडियो हमने डाला हुआ है हमारे यूट्यूब पे, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो सर, आपको अगर इस वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन लग रही हो तो प्लीज़ अभी जाके लाइक करिए, बाद में क्या पता आप भूल जाएंगे। तो हमारे पास इन द सेंस किसी के छाइयाँ होती है, जिसे ब्लैकनेस हो जाता है स्किन पे, स्किन टैन की वजह से, सन टैन की वजह से ब्लैकनेस हो जाती है स्किन पे, तो उसको भी रिमूव करने का हमारे पास ट्रीटमेंट है, उसे पीलिंग ट्रीटमेंट बोलते हैं, तो वो भी आप यहाँ आके करा सकते हैं। ये वीडियो जिस जिसके लिए ज़रूरी है आप उन तक इस वीडियो को पहुँचाइए, जिनको इन ट्रीटमेंट्स की नेसेसिटी है, नीड है, आप उन तक इस वीडियो को पहुँचाइए। और अगर हमारी वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो दोबारा कहता हूँ, प्लीज़ लाइक करिए। अगर आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती हो जाननी, या फिर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है अगर ये वीडियो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए। और आपके मन में कोई भी इशू, कोई भी कमेंट हो,
हमारे कमेंट बॉक्स में भी जाके आप हमें बता सकते हैं। मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ, सबका रिप्लाई करता हूँ। दूसरा, आप हमें कॉल करके या डायरेक्टली आप हमारे इंस्टाग्राम पे जाके भी हमें बता सकते हैं अगर आपके मन में कोई रिव्यू हो तो। सर, इस वीडियो को मैं यही अंत करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।